नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के इंग्लिश लिटरेचर के बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द फन दे हैड। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो स्टोरी है वो कब का है। तो ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर पे आधारित है, यानी इसका जो भी सेट है वो फ्यूचर पे, भविष्य में क्या होगा उसके बारे में है। और ये स्कूल, उस ज़माने के स्कूल और उस समय कैसे पढ़ाई होगा उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो फ्यूचर में जब कोई भी बुक नहीं होगा और कोई भी स्कूल, जैसा कि हम लोग जानते हैं वैसा कोई भी ना स्कूल होगा ना ही बुक होगा, तो फिर आखिर जो चिल्ड्रेन हैं वो पढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ जो डायग्राम दिया गया है उससे समझ में आएगा। और अभी जो लॉकडाउन है उसमें आपका हाल यही जो फ्यूचर का स्कूल है उस टाइप का लगभग थोड़ा हो चुका है। तो जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, वर्चुअल क्लासरूम है, और रोबोटिक टीचर, तो रोबोटिक टीचर तो अभी नहीं है। उसके बाद मूविंग ई टेक्स्ट आता है, मतलब बुक भी जो है वो आपके मोबाइल में ही आ गया, या फिर जो सिस्टम है उस पर और उसी पर पढ़ रहे हैं। तो इसमें तीन चीज़ आपको डिस्कस करके, मतलब सोचना है तीन चीज़ों के बारे में कि आप अपने स्कूल के बारे में क्या क्या जो तीन चीज़ें हैं वो बहुत अच्छा है, आप सोचते हैं कि हाँ मेरे स्कूल में ये चीज़ बहुत अच्छा है। और तीन चीज़ें ये बतानी है आपको कि आपके स्कूल में कौन सी तीन चीज़ें हैं जो कि आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस स्टोरी में पूछा गया है कि क्या आपने कभी ऐसे वर्ड्स को देखे हैं जो कि टेलीविज़न पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हो। तो हाँ ज़रूर देखे हैं, आपने पढ़ा भी है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब कोई भी बुक नहीं होगा, बुक जो भी होगा वो कंप्यूटर पे होगा, प्रिंटेड बुक नहीं होगा, तो क्या होगा? क्या आप वैसा बुक पढ़ना पसंद करेंगे जो कि प्रिंटेड बुक ना हो? तो ये कहानी वही फ्यूचर पे आधारित है। तो इसमें दो कैरेक्टर होते हैं, एक है मार्गी और दूसरा है टॉमी। तो हुआ क्या कि जिस दिन का ये स्टोरी है, जिस दिन पे आधारित, उस दिन टॉमी को एक रियल बुक मिला। रियल बुक मतलब जो बुक हम लोग पढ़ते हैं अभी वैसा बुक। और ये जो स्टोरी है वो कब का है? तो फ्यूचर का। तो फ्यूचर में भी कब? तो 17 मई 2157, यानी 2157 का ये कहानी है, जिसमें कि मार्गी अपने डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। और वो जो किताब था वो बहुत ही पुराना था, और मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे वो एक बार उसको कह रहे थे, उसको बता रहे थे कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर, यानी उनके ग्रैंडफादर के भी जो ग्रैंडफादर थे वो उन्होंने उनको कहानी एक सुनाई थी, जिसमें वो बता रहे थे कि उनके ज़माने में जो स्टोरीज होती थी, जो कहानियाँ होती थी, वो पेपर पे प्रिंट की हुई रहती थी, यानी कि बुक जो अभी हम लोग पढ़ते हैं उस टाइप का वो बता रहे थे मार्गी को। तो जैसे वो जो टॉमी था वो बुक को टर्न करता है, बुक के पेज को पलटता है, तो वो बिल्कुल येल्लो रहता है, पीला, क्योंकि बहुत पुराना बुक था तो वो पीला हो चुका था और क्रिंकी भी, यानी उसमें बहुत सारे फोल्ड बहुत मुड़ गया था, बहुत सारी लाइन आ गई थी, और ये पढ़ना उसके लिए बहुत ही लग रहा था फनी और थोड़ा बेकार भी लग रहा था, क्योंकि वर्ड्स जो थे वो अपने जगह पे ही थे, वो वहाँ से हिलडुल नहीं रहे थे। लेकिन वो क्या सपोज कर रहा था कि जैसे वो स्क्रीन पे पढ़ता था तो वर्ड्स होते क्या थे कि खुद से ऐसे चलते रहते थे और उसको वो पढ़ते रहता था, तो वो सोचा कि बुक में भी ऐसा ही होगा, लेकिन बुक में तो वैसा होता नहीं है। और वो जैसे जैसे क्या किया कि पेज को अगर पलटा, फिर से पहले वाले पेज पे ही अगर आ गया तो सेम चीज़ जो पहले पढ़ा था फर्स्ट टाइम वही आ गया, तो फर्स्ट पेज पे जाएगा तो पहले जो पढ़ा है वही तो आएगा। तो उसको ये सब देख करके फनी लग रहा था, क्योंकि जो कंप्यूटर में वो पढ़ता था उसमें इस टाइप का नहीं होता था। तो टॉमी कहता है कि गी व्हाट अ वेस्ट, मतलब कितना बेकार है कि कोई भी अगर ये बुक पढ़े तो वो यही कहेगा कि ये बिल्कुल बेकार है, जब वो पूरे बुक को पढ़ेगा और वो उसको फेंक देगा, ऐसा मेरा मानना है। ये टॉमी कहता है किससे? तो मार्गी से कह रहा है।
और हमारे जो वो कहता है मार्गी से कि हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें लाखों बुक्स हैं और उसमें और भी बहुत सारा जगह है कि बहुत सारे बुक को हम रख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इस बुक को, जो पुराना बुक उसको मिला है, इसको नहीं फेंकूंगा। तो मार्गी कहती है कि सेम विथ माइन, यानी मैं भी ऐसा ही करूँगी। मार्गी बोलती है मैं भी ऐसा ही करूँगी। तो वो केवल 11 ईयर्स ओल्ड थी, उसने टॉमी जितना बुक तो नहीं देखा था, क्योंकि टॉमी जो था वो 13 ईयर्स का था, तो वो ज़्यादा बुक पढ़ चुका था मार्गी के कंपैरिजन में। तो मार्गी ने उतना बुक नहीं देखा था, फिर भी वो बुक नहीं फेंकती, क्योंकि वो उसे थोड़ा इंटरेस्टेड कुछ नया चीज़ मिला था उसको। इसलिए अब वो पूछती है टॉमी से कि तुम्हें ये जो बुक है वो कहाँ मिला। तो टॉमी बताता है कि मेरे घर में, और वो बुक पढ़ने में इतना बिजी था कि बिना देखे ही वो पॉइंट करता है कि इन द एटिक। अब एटिक होता क्या है, तो स्टोर रूम, जहाँ कि हम लोग जो चीज़ ज़्यादा यूजेबल नहीं होता है सामान उसको रखते हैं, तो वहीं वो पुराना बुक उसको मिला था। फिर से मार्गी पूछती है उससे कि ये बुक जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ के बारे में है। तो टॉमी बताता है कि ये जो बुक है वो स्कूल से रिलेटेड है, यानी कि अभी के ज़माने में हमारे जो स्कूल हैं उनसे रिलेटेड। मार्गी जो थी वो बिल्कुल घृणापूर्वक, मतलब स्कूल के नाम से ही वो बिल्कुल उदास हो जाती है, घृणित हो जाती है। तो वो स्कॉर्नफुल होकर के और अपना चेहरा बनाती है कि व्हाट देयर टू राइट अबाउट अ स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को है ही क्या, आई हेट स्कूल। मतलब उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। मार्गी जो थी वो हमेशा स्कूल को हेट करती थी, और अब जो स्कूल को हेट करना था वो और ज़्यादा हेट करने लगी थी स्कूल को, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मतलब जो रोबोटिक टीचर था, वो हमेशा करता क्या था कि उसका टेस्ट के बाद टेस्ट, मतलब बार बार टेस्ट लेते रहता था ज्योग्राफी का, और वो हमेशा ज्योग्राफी में वर्स करते जाती थी, मतलब हमेशा उसका स्कोर बुरा ही रहता था। कब तक वो रहा, जब तक कि उसकी माँ ने उसके सिर को हिलाया नहीं, मतलब बिल्कुल उसकी माँ दुखी हो गई और उसके सिर को हिलाई, और उसके बाद काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई। काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता कि जांच करता उस मैकेनिकल टीचर का कि हाँ क्या ये सही से पढ़ा रहा है या नहीं। अब वो काउंटी इंस्पेक्टर आता है, वो था कैसा, तो वो एक राउंड लिटिल मैन था, यानी छोटा सा इंसान जैसा दिख रहा था, और बिल्कुल गोल मटोल उसका जो चेहरा था वो रेड फेस था, और पूरा जो था वो बॉक्स जैसा था जिसमें बहुत सारे टूल्स थे, डायल्स थे, मतलब घड़ी में जैसे डायल्स होते हैं वैसे डायल्स, और बहुत सारे वायर्स थे। यानी काउंटी इंस्पेक्टर भी एक मैकेनिकल मैन ही था, मतलब रोबोट ही था। वो मुस्कुराता है मार्गी को देख करके और उसे एक एप्पल देता है, मतलब सेब देता है, और उसके बाद जो उसके टीचर रहते हैं पढ़ाने वाले उसको लेकर के बाहर जाता है। मार्गी ऐसा आशा कर रही थी कि अब वो जो है वो उसको फिर से वापस नहीं लाएगा, मतलब उसको लेकर के चला जाएगा, और वो सोचती है कि चलो अब मैकेनिकल टीचर से मुझे छुटकारा मिलेगा। लेकिन वो जो सोच रही थी वो सही नहीं था, और कुछ एक घंटे के बाद ही हुआ क्या कि फिर से बड़ा सा ब्लैक और अगली फेस, बड़ा बिग स्क्रीन वाला, जिसमें बहुत सारे लेसन्स रहते थे, बहुत सारे पार्ट रहते थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो इंसान आया। यानी कि जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसके सिर के जगह पे एक बड़ा सा, जैसे टीवी का स्क्रीन रहता है वैसे स्क्रीन था, उस पर डिस्प्ले होते रहता था क्वेश्चन वगैरह, होमवर्क और जो भी लेसन उसको पढ़ना रहता था वो वहाँ पर डिस्प्ले होता था, और वो उसको देखती थी। तो वो बहुत ही उसके साथ बुरा था, उसको बहुत बुरा लगता था, तो इसी कारण से मार्गी उसको बहुत ज़्यादा हेट करती थी। और सबसे ज़्यादा हेट करने का कारण क्या था, तो उस मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट बना हुआ था, वो स्लॉट जैसे कि एटीएम से पैसा निकलने का जो स्लॉट रहता है उस टाइप का, और वहाँ वो करती क्या थी कि अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर वहाँ रख देती थी, और वो चला जाता था और वो उसको चेक करता था मैकेनिकल जो टीचर था। सो उसके बाद वो हमेशा उसमें लिखना पड़ता था पंच कोड, जो कि वो याद करती थी जब से वो 6 साल की थी, तभी से उसको वैसा लिखना पड़ता था, और मैकेनिकल टीचर जो था उसका मार्क्स बिना मतलब देर किए हुए तुरंत मार्क्स दे देता था, मतलब जो टेस्ट होता था उसका तुरंत रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। तो इंस्पेक्टर, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो मुस्कुराता है और अपने बात जो था वो ख़त्म करने के बाद मुस्कुराता है, और मार्गी के सिर को थोड़ा
थपथपाता है और वो मार्गी के मॉम से कहता है, उसकी मदर से कहता है कि ये जो छोटी बच्ची है इसका फॉल्ट नहीं है कि उसका जो ज्योग्राफी में है वो मार्क्स बहुत कम आ रहा है। तो उसकी माँ का नाम क्या था, तो मिसेज जॉन्स। वो बोलता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो इसको बहुत जल्दी, मतलब थोड़ा जल्दी ही पढ़ाया जा रहा है और थोड़ा अगर लेट से पढ़ाया जाए तो ये अच्छे से समझेगी। तो ऐसा जो है वो बहुत बार मतलब कुछ लोगों के साथ होता है। और ये जो है अब मैं करूँगा क्या कि जो मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल जो टीचर है उसको थोड़ा स्लो कर दूँगा ताकि वो 10 ईयर लेवल तक आते आते मतलब 10 ईयर लेवल तक पढ़ाए, थोड़ा स्लो पढ़ाए, क्योंकि बहुत फास्ट पढ़ा रहा था जिससे कि उस मार्गी को समझ में नहीं आता था, तो थोड़ा स्लो कर दूंगा। तो ओवरऑल जो पैटर्न था उसका प्रोग्रेस का, वो काउंटी इंस्पेक्टर बोलता है कि सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, और फिर से मार्गी के हेड को थपथपाता है। और मार्गी जो थी वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थी, मतलब उदास थी, उसको अब पढ़ने का मन ही नहीं करता था उस मैकेनिकल टीचर से। और वो आशा कर रही थी कि ये जो टीचर है उसको वो काउंटी इंस्पेक्टर लेके चला जाए, क्योंकि टॉमी के टीचर के साथ ऐसा ही हुआ था, उसके भी मैकेनिकल टीचर था, तो उसको काउंटी इंस्पेक्टर 1 महीना के लिए लेकर चला गया था क्योंकि उसके अंदर जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक था। तो वो हिस्ट्री पढ़ाता कैसे, मतलब उसके अंदर फीड ही नहीं था उस कंप्यूटर में, तो वो पढ़ा ही नहीं पाता, इसलिए उसको 1 महीने के लिए लेकर के काउंटी इंस्पेक्टर चला गया था। तो इसलिए वो टॉमी से कहती है कि तुम क्यों नहीं, कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा जब स्कूल ऐसा होता है, मतलब यहाँ के टीचर ऐसे होते हैं। मतलब उसको क्या था कि स्कूल के नाम से ही घृणा थी मार्गी को। तो टॉमी देखता है उसकी ओर बड़ी बड़ी आँखों को बड़ा बड़ा करके और कहता है कि स्टूपिड, ये उस जैसा स्कूल नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो, ये जो है वो पुराने ज़माने का स्कूल है, लगभग सैकड़ों साल पहले का स्कूल है। और वो धीरे से मतलब गौरवपूर्वक बोलता है, प्रोनाउंसिएट करता है कि सेंचुरी जगो, यानी कि शतकों पहले। मार्गी जो थी वो बिल्कुल हर्ट हो गई स्कूल के नाम सुन करके और वो बोलती है कि क्या मैं नहीं जानती हूँ कि स्कूल कैसे होते हैं, उस समय के कैसे होते होंगे। तो उसके बाद वो सोचती है कि शायद इस बुक में कुछ उस टाइप से लिखा हुआ हो, तो वो टॉमी के कंधे से होकर के बुक को पढ़ने की कोशिश करती है। और उसके बाद वो बोलती है कि एनीवे टीचर तो होते होंगे उस ज़माने में भी। तो बोलता है टॉमी कि हाँ टीचर होते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, यानी कि केवल एक ही बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, वो इंसान होते थे। तो इंसान, वो मैर्गी बोलती है कि इंसान, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। और उस समय वो बोलता है कि ठीक है, उस समय जो बॉयज़ और गर्ल्स जो थे वो, उनको होमवर्क तो वो देता होगा, उनसे भी तो क्वेश्चन पूछता होगा आज के टीचर के जैसा ही, और एक जो मैन है वो इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। तो टॉमी बोलता है कि श्योर हो सकता है, क्योंकि मेरे फादर भी जो हैं वो मेरे टीचर जितना जानते हैं और वो लगभग उतना जानते हैं, मैं श्योर हूँ, आई बेट चा, वो बोलता है, यानी मैं श्योर हूँ। तो मार्गी जो थी इस विवाद पे बहस करने के लिए वो तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके पास कुछ पुराने ज़माने की जानकारी थी ही नहीं, तो वो क्या बोलती। तो इसलिए वो कहती है कि कोई भी इंसान जो कि स्ट्रेंज हो, यानी मेरे लिए अजनबी हो, वो मेरे घर में आकर मुझे कैसे पढ़ा सकता है। यानी कि अब उस समय जो फ्यूचर का जो कहानी है, उस समय टीचर जो था उसके घर में ही रहता था जिस बच्चे को पढ़ाना रहता था, क्योंकि टीचर जो था वो रोबोट था, तो वो घर में ही रहता था। तो वही वो बोलती है। तो टॉमी जो था वो हंसता है बहुत ज़ोर से और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी, टीचर जो थे वो घर में नहीं रहते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जहाँ सभी बच्चे जाया करते थे और सभी बच्चे एक साथ एक ही चीज़ पढ़ा करते थे, एक ही चीज़ सीखा करते थे। और कौन से बच्चे, तो जो जो एक एज के बच्चे होते थे वो एक चीज़ ही सीखते थे, एक चीज़ पढ़ते थे। तो उसके बाद मार्गी कहती है कि लेकिन मेरे माँ ने कहा है कि टीचर को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, ऐसा फिट किया जाता है उसके दिमाग को कि हर एक लड़के और हर एक लड़कियों को उसके तरीके से पढ़ाया जाए ताकि
जो बच्चे हैं वो अच्छे से सीखें जब उसको डिफरेंटली टाउट किया जाएगा। तो अगर सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाएगा तो, और यू डोंट हैव टू रीड द बुक इफ़ यू डोंट लाइक, तो उसके बाद वो बोलता है कि यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम किताब मत पढ़ो, ये जो बुक है वो तुम मत पढ़ो अगर तुम्हें पसंद नहीं है पुराने बातों को जानना। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मुझे पसंद है, मार्गी बहुत जल्दी से बोलती है। उसके बाद वो फिर उन फनी स्कूल के बारे में पढ़ना शुरू कर देती है, और उन्होंने उस बुक को आधा भी फिनिश नहीं किया था, अभी लगभग आधा ही किया था कि मार्गी की माँ उधर से बुलाती है, मार्गी स्कूल यानी स्कूल का वक्त हो चुका है। मार्गी ऊपर देखती है और बोलती है कि नॉट येट मम्मा, मतलब अभी समय नहीं हुआ है। उसके बाद वो फिर से बोलती है, मिसेज जोन्स फिर से कहती हैं कि अभी जो है वो संभवतः टॉमी का भी समय हो गया है स्कूल का। मार्गी जो है वो टॉमी से कहती है कि क्या मैं इस किताब को स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ, यानी तुम मुझे दोगे? तो टॉमी कहता है हाँ मे भी हो सकता है, और उसके बाद वो करता क्या है, मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहता है उसके बातों से क्योंकि उसे भी पढ़ना रहता है, अभी आधा ही पढ़ा था। और उसके बाद वो सीटी विसिल बजाते हुए और जो बुक था वो अपने आम में पकड़े हुए अपने आम के नीचे, और वो टहलता हुआ चला जाता है अपने घर की ओर। उसके बाद मार्गी जो थी वो अपने स्कूल रूम की ओर जाती है, और स्कूल रूम उसका कहाँ था, तो उसके बेडरूम के बगल में ही यानी उसके घर में ही, और मैकेनिकल टीचर जो थे वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये जो था वो हमेशा होता था सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके, यानी सेम टाइम पे उसका पढ़ाई होता था, उसके टीचर घर पे रहते थे फिर भी। तो यहाँ जैसे फिगर में देख रहे हैं कैसे वो पढ़ रही है, और मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पे अब फ्लैश होना शुरू हो गया। तो उसकी माँ क्यों कहती थी कि केवल सैटरडे और संडे को छोड़ करके एक ही समय में पढ़ना है, एक ही टाइम में, क्योंकि वो जानती थी कि जो छोटी बच्ची हैं, और वो कहती थी कि अगर एक ही रेगुलर आवर्स में अगर पढ़ाई किया जाए तो वो अच्छे से सीख सकते हैं। अब क्या था कि वो अपने क्लासरूम में, मतलब जहाँ उसका स्कूल था वहाँ पहुँच जाती है अपने बेडरूम के बगल में, तो स्क्रीन जो था वो उसमें लाइट जल जाता है और कहता है कि आज जो है वो एडिशन अर्थमेटिक का लेसन है जिसमें कि प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन को पढ़ना है, और जो स्लॉट है वहाँ पे आप अपना कल का होमवर्क इंसर्ट कीजिए, जैसे इंसर्ट द कार्ड वैसे ही अब प्रॉपर स्लॉट में अपना होमवर्क रखिए। तो मार्गी जो थी वो गहरी सांस लेती है और वो सोचते रहती है उन पुराने स्कूलों के बारे में जो अभी है, और उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो वो उन स्कूलों में पढ़ा करते थे, और कैसे सभी, वो सोचती है कि कैसे सभी आस पड़ोस के सभी बच्चे एक साथ आते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, कहाँ तो स्कूल यार्ड में, स्कूल के बरामदे में एक साथ स्कूल रूम में सब बैठते होंगे, और घर भी जब स्कूल से छुट्टी हो जाता होगा तो एक साथ सब घर भी जाते होंगे, और सभी लोग एक ही चीज़ सीखते होंगे तो एक दूसरे का मदद भी करते होंगे होमवर्क बनाने में, और उसी के बारे में लोग बात भी करते होंगे, और जो टीचर होते थे वो लोग होते थे, और मैकेनिकल टीचर जो है वो तो स्क्रीन पे बस फ्लैश कर देता है कि ऐड फ्रैक्शन, जब हम ऐड करेंगे फ्रैक्शन को 1/2 और 1/4 तो क्या होगा बताओ, तो इस टाइप का मैकेनिकल टीचर जो था वो पढ़ाता था। मार्गी सोच रही थी कि कैसे उन दिनों के जो बच्चे थे वो अपने पुराने दिनों को याद करते थे, और उनका जो जीवन था वो कैसा फन से भरा हुआ था, कैसा मस्ती से भरा हुआ था, इसी चीज़ के बारे में मार्गी सोचती है। तो यहाँ ये जो स्टोरी है बिहाइव का, द फन दे हैड, ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।